Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel Gyanvaridhi. Yoga and meditation की जो हमारी series चल रही है उसके next part को आज हम इस video में discuss करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि हमारी इस video में क्या क्या है. Now this video is going to deal with different philosophies and traditions of yoga, obstacles of yoga and ways to overcome these obstacles. So now let's start. First जो चीज़ हम discuss करेंगे that are different philosophies and traditions of yoga. There are four basic traditions of yoga or four basic philosophies related to yoga. These are bhakti yog, gyan yog, karm yog and raj yog. Bhakti yog, जब हम bhakti yog की बात करते हैं तो भक्ति नाम से ही समझ में आ रहा है. भक्ति मीन्स डिवोशन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज योगा ऑफ डिवोशन. भक्ति योग में कंप्लीट सरेंडर होता है किसी भी डिवाइन पार के लिए, जिनको आप मानते हैं, मतलब जिनकी आप पूजा करते हैं. ईश्वर के प्रति आपका संपूर्ण समर्पण जब होता है तो वो भक्ति योग कहलाता है. और इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे चैंटिंग, मतलब किसी एक मंत्र को बार बार दोहराना, प्रेइंग, किसी भी ईश्वर की पूजा करना, जाप, जब हम किसी मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं, या फिर किसी भी सेरेमनी में या रिचुअल में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सभी फॉर्म्स हमारे भक्ति योग कहलाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ज्ञान योग. ज्ञान का लिटरली अगर हम मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है नॉलेज. मीन्स जहाँ पर हमें नॉलेज के लिए क्वेस्ट होती है वो हमारा ज्ञान योग कहलाता है. ज्ञान योग को हम यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए. और वो फॉर्म्स हमारे क्या होंगे, सेल्फ इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन. और ये सभी क्रियाएँ हम क्यों करते हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए. और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद हमें एनलाइटनमेंट को गेन करना है. हमारा मेन जो उद्देश्य यहाँ पर होता है वो है मोक्ष की प्राप्ति. तो उसके लिए हम स्वयं के विषय में इंक्वायरी गैदर करते हैं. ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट से रिलेट करता है हमारा ज्ञान योग. एंड इट रिक्वायर्स ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़. क्योंकि हम खुद के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेट करना होता है. एंड दिस फॉर्म ऑफ योगा कैन बी प्रैक्टिस्ड थ्रू श्रवण, मनन एंड निधि ध्यासन. श्रवण का अर्थ है गुरु के मुख से या फिर जो शास्त्रों में या वेदों में वर्णित चीज़ें हैं उनको जब हम सुनते हैं तो उनसे जो हमें ज्ञान अर्जित होता है दैट इज़ नोन एज श्रवण. मनन, जो चीज़ें हमने सुनी हैं या हमने पढ़ी हैं उनका बार बार चिंतन करना इज नोन एज मनन. एंड देन इट इज़ निधि ध्यासन, मीन्स जो कुछ हमने पढ़ा है उसको अपने आचरण में उतारना, दैट इज़ नोन एज निधि ध्यासन, मतलब धारण कर लेना उसे अपने अंदर. नेक्स्ट इज कर्म योग. कर्म का अर्थ है एक्शन, या कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं जो हमारी डीड्स हैं दैट आर नोन एज कर्म. ये इसीलिए योगा ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है. और ये जो कर्म की बात की है यहाँ पर वो सेल्फलेस सर्विस है, जिसमें हम अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई स्वार्थ निहित नहीं है. अर्थात निस्वार्थ भाव से जो हम कर्म करते हैं वो कर्म योग के अंतर्गत आता है. एक कर्म योगी जो है वो अपनी ईगो को शांत करता है, अपने हृदय को शुद्ध करता है और फिर सभी जीवों के साथ एकत्व के भावना को फील करने की कोशिश करता है. और ये सब क्रियाएं कब होती हैं, जब वो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है या किसी के प्रति कोई कार्य करता है. नाउ नेक्स्ट इज राजयोग. राजयोग दो शब्दों से बना, राज और योग. राज का अर्थ है रॉयल, तो इसीलिए इसको रॉयल रोड टू योगा भी कहा गया. इट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच. साइंटिफिक अप्रोच जो हमारी होती है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलती है. तो ये साइंटिफिक अप्रोच है योगा की, जिसके थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं.
इसमें सबसे पहले हम सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं अपने माइंड को, और उसके बाद जो टेक्निक्स हैं हमारी जिनसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं उनको अप्लाई करते हैं। राजयोग को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हठ योग, तंत्र योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, यंत्र योग व लय योग में। ये अपने आप में काफ़ी बड़े विषय हैं, तो इनको हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि राजयोग को अगेन हम कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं इन योग्स में। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ ऑब्स्टेकल्स ऑफ योगा। क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे, या अवरोध हम कहें, क्या क्या अवरोध होते हैं हमारे योग के पथ में। तो ये जो योग के ऑब्स्टिकल्स हैं ये हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पांच क्लेश और सेकंड वन इज़ नौ अंतराय। पांच क्लेश जो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमने हमारी फर्स्ट वीडियो जो है योगा एंड मेडिटेशन की उसमें डिस्कस किया है। आप उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। सो नाउ नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ नौ अंतराय। ये जो नौ अंतराय हैं, ये पहली अंतराय है व्याधि। व्याधि मतलब इल हेल्थ, डिजीज़। जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो हम योग नहीं कर पाते हैं। हमें कोई चोट लग जाती है या कहीं पर बॉडी में पेन होता है तो उस स्थिति में हम योग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ये एक प्रकार की अंतराय हो जाती है, ऑब्स्टेकल हो जाता है। नेक्स्ट इज स्थेयन, दैट इज अनप्रिपेयर्डनेस और डलनेस। जब कभी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति रुचि नहीं रहती है उस अवस्था में हम योग करने से भी बचना चाहते हैं। हम अपने डिज़ायर्ड जो हमारा पाथ होता है उससे भी हम एक्सक्यूजेस बनाकर वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का ऑब्स्टेकल हो जाता है। नेक्स्ट है संशय। जब कभी हमारे दिमाग में किसी चीज़ को लेकर संशय होता है, चाहे वो हमारी खुद की क्षमताओं पर हो या जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे हमें जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उनके लिए लेकर हमें संशय हो मस्तिष्क में, तो हम अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, हम अपना पूरा डिवोशन उसमें नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से हमारी क्रियाओं में कमी आने लगती है, तो ये भी एक तरह का अंतराय है। नेक्स्ट इज प्रमाद। प्रमाद मतलब इनडिफरेंट हमारा एटीट्यूड हो जाता है, हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं या हमारी जो क्रियाएं हैं उनके प्रति हमारा नेग्लेक्टिंग एटीट्यूड हो जाता है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी एकदम परफेक्ट नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट इज आलस्य। आलस्य या लेजीनेस इज इनर्शिया ऑफ माइंड और बॉडी ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ तामसिक एलिमेंट। जब हमारे शरीर में तामसिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो उस समय पे हम लोग अपने कामों को ठीक से संपादित नहीं कर पाते हैं और वो हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकते हैं, एक अवरोधन क्रिएट कर देती है हमारे अंदर जो लेजीनेस होती है। नेक्स्ट इज अविरति, दैट इज वर्ल्डली माइंडेडनेस हम कह सकते हैं, या एंटेंगलमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब कभी हमें उनके प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है, तो हम ईश्वर से दूर और उन तत्वों के नज़दीक जाने का प्रयास करने लगते हैं जो अपने आप में एक अवरोध है। भ्रांति दर्शन या इल्यूजन हम कह सकते हैं, ये एक तरह का फॉल्स विजन है या एक प्रीमैच्योर सेंस ऑफ सर्टेनिटी है। जब इस तरह के फॉल्स नोशन हमारे माइंड में डेवलप हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर योगा की प्रैक्टिस जो हम करते हैं या जो हमारे आउटकम्स निकलने वाले होते हैं उनके विषय में हमारे मस्तिष्क में कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न कर देते हैं, और उन भ्रांतियों के कारण हम अपने योग पथ से हटने लगते हैं। नेक्स्ट इज अलब्ध भूमिकत्व, दैट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जब कभी हमें एक स्टेज अटेन कर लेते हैं और उस स्टेज से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किसी भी यौगिक स्टेज में हमने अकम्पलिशमेंट किया और उसके आगे की स्टेज पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मे बी ड्यू टू सम फॉल्टी और पुअर प्रैक्टिस, तो ये एक फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट करता है दैट वी आर स्टक एट दिस स्टेज एंड इट लीड्स टू डिस्करेजमेंट, एंड ड्यू टू दिस डिस्करेजमेंट समटाइम्स वी यूज टू गेट अवे फ्रॉम आर योगिक प्रैक्टिसेस।
नेक्स्ट है हमारा अनवस्थी तत्व। अनवस्थी तत्व मीन्स लैक ऑफ इन मीन स्टेबिलिटी भी हम कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन हैं, दोनों में लैक ऑफ स्टेबिलिटी होता है एंड स्लैकनेस इन प्रैक्टिस होता है। अनवस्थी तत्व में क्या होता है कि हम जिस स्टेज पर आ गए हैं उस स्टेज में भी हम परमानेंसी नहीं रख पाते हैं, उस स्टेज से भी हम बार बार बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज़ नॉन परमानेंस ऑफ अ योगिक स्टेज जो हमने अचीव कर ली है। अब इस तरह की जब फीलिंग होती है तो ये भी हमें बाहर की तरफ खींचती है और हमारा जो इंक्लिनेशन होता है उसको ख़त्म करती है। सो दिस इज़ अगेन नोन एज अंतराय और ऑब्स्टेकल ऑफ योगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन वी ओवरकम ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स। तो अगर हम पतंजलि की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस ऑफ एक तत्व मीन्स वन प्रिंसिपल। अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी भी एक सिलेबल पर अपना माइंड फोकस करते हैं तो जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं ये हमसे दूर जाने लगेंगे और हमारी चीज़ों में परमानेंसी आने लगेगी। अब एक तत्व के बाद उन्होंने दूसरी चीज़ कही कि दैट कुड बी चैंटिंग ऑल्सो। किसी भी एक सेक्रेट सिलेबल को, ओम अरहम या कोई भी आप ऐसा बीज मंत्र ले लीजिए और उसको आप चैंट करेंगे तो वहाँ पर आपके मन मस्तिष्क में शांति मिलेगी आपको और ये जो ऑब्स्टिकल्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं आप इनसे दूर रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंडलीनेस, दैट इज़ नोन एज मैत्री, देन कंपैशन, आपके अंदर करुणा का भाव हो, ग्लैडनेस दैट इज़ मुदित मीन्स आप अंदर से प्रसन्नचित हैं, एंड इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी को इन लोगों ने कहा कि हमारे अंदर हमेशा समता का भाव हो, दुख ही अवस्था में या सुख की अवस्था में, दोनों ही अवस्था में हमारे अंदर समता का भाव होना चाहिए। हमें बहुत जल्दी से उद्वेलित नहीं होना है। अगर कुछ कंडीशंस हमारे अगेंस्ट हैं तो उनको देख के हमें ज़्यादा उद्विग्न नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है। और अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ आपने अचीव कर ली है तो उस अवस्था में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है। एंड लास्ट में इन्होंने कहा कि श्रद्धा और वीर्य, दैट इज़ फेथ एंड एनर्जी, आर अगेन अ पार्ट ऑफ सच प्रैक्टिस, जिससे कि हम जब हमारे अंदर फेथ होगा तो हमारे अंदर डाउट नहीं होगा और जो एनर्जी हमारे अंदर होगी वो हमें स्लॉथ जो हमारे अंदर आ रहा है उसको या जो लैंग्वर हमारे अंदर डेवलप हो रहा है उससे हमें दूर रखेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड कीप ऑन कमेंटिंग मी। थैंक यू।